स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत से 100 एग्रीमेंट तोड़ेगा मालदीव, चीन को देगा द्वीप, भारत को डबल झटका। मालदीव का तो समझ में नहीं आ रहा, पहले कुछ खराब न्यूज थी उसके बाद एक अच्छी न्यूज आई थी कि भाई मालदीव चाहता है सभी कंट्री साथ उसका रिलेशन अच्छे रहे ताकि उसकी कंट्री ग्रो हो सके वगैरह वगैरह जो भी था, अब ये बात आ रही है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मालदीव को लेकर काफी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि मालदीव चीन की आड़ में भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रहा है, अब वह सही साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि नव भारत टाइम्स का आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सैन्य बेस चीन वहां पर बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए मालदीव एग्री भी कर सकता है और यह एक बहुत बड़ी परेशानी भारत के लिए लेकर आएगा। क्योंकि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना थी वह इस सैन्य अड्डे के बाद साकार होती नजर आएगी। वहीं इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी कल ही एक समझौते से मालदीव पीछे हट गया था जिसमें उसने भारत को अपने यहां पर सर्वे करने की अनुमति देने से मना कर दिया। 2019 में ही ये डील साइन हुई थी और 5 साल बाद इसको वापस से रिकंटिन्यू करना था लेकिन मालदीव ने इसे मना कर दिया। लेकिन दोस्तों अब खबर आ रही है कि मालदीव ने 100 से ज्यादा भारत के साथ हुए समझौते पर रिव्यू कमेटी बैठा दी है और इससे भारत और मालदीव के बीच हुए 100 से ज्यादा समझौते पर अब खतरा मंडराने लगा है। तो दोस्तों मालदीव से निकल कर आ रही इन्हीं सब खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है मालदीव्स रिव्यूइंग अवर 100 एग्रीमेंट्स विद इंडिया आफ्टर रिक्वेस्ट इंडियन ट्रूप्स टू लीव आइलैंड नेशन, यानी कि भारतीय सेना को अपने देश से वापस भेजने की रिक्वेस्ट के बाद अब मालदीव 100 से ज्यादा समझौते पर रिव्यू कर रहा है और अब ये खबर आ रही है कि उसने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है जो कि इन समझौते पर रिपोर्ट मालदीव सरकार को देगी और वे डिसीजन लेंगे कि क्या ये 100 से ज्यादा समझौते भारत के साथ आगे भी कंटिन्यू करने हैं या फिर नहीं। यानी कि कल की डील से पीछे हटने के बाद मालदीव यहीं पर नहीं रुकने वाला, आगे और भी समस्याएं भारत के लिए वह करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मालदीव में सरकार बदलते ही चीन एक्शन में है। चीन ने एक बार फिर मालदीव में सैन्य अड्डे के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने गादू द्वीप में स्थित बंकरिंग बंदरगाह के दोहरे इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी है। अगर मालदीव की मोहम्मद माइजू की सरकार चीन को इसकी इजाजत दे देती है तो वह लामू एटोल में जल्द ही अपना मिलिट्री बेस खोल सकता है। फरवरी 2016 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इस एटोल में नागरिक आबादी को पूरी तरह से हटा दिया था ताकि चीन उसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए आसानी से कर सके। चीन के मालदीव में सैन्य अड्डा बनाने से भारत की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। चीन की पीएलए सेना नवंबर 2022 से इस आइलैंड पर अपनी गतिविधि तेजी से बढ़ा रही है। वहीं क्षेत्र में काफी कम फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले वीएलएफ एंटीना और हाई क्वालिटी वाले स्काई वेव एंटीना को भी देखा गया था। अब दोस्तों चीन इस द्वीप पर विकास का झांसा देकर मालदीव को फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन की ये कोशिश है कि इस आइलैंड को पर्यटन के लिए इस्तेमाल में लिया जाए, वहीं इसमें काफी सारी उससे रिलेटेड डेवलपमेंट की जाए। ये चीन का एक पैंतरा है जिससे वह दुनिया के काफी सारे देशों का गला घोटने की कोशिश करता है। वहीं उसके इस झांसे में काफी सारे देश फंस भी जाते हैं और मालदीव भी उसके झांसे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना ने ऐसा ही कुछ वर्षों पहले सेशल्स के साथ भी किया था, उसने विकास का झांसा देकर वहां पर काफी सारी डेवलपमेंट की और बाद में वहां पर अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया। हालांकि चीन इस तरह की योजनाओं से हमेशा कार करता आया है कि हम इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन चीन का ये एक वर्षों पुराना पैतरा है दूसरे देशों को फंसाने का। चीन दोस्तों इस समय न सिर्फ मालदीव के जरिए ही भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है बल्कि काफी सारे देशों के साथ मिलकर भारत को घेर रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से चीन के 150 जहाज भारत के मुंबई और गुजरात के कोस्टल एरिया के पास देखे गए जो कि भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर थे, लेकिन वे वहां से बड़ी आसानी से भारत की जासूसी
वगैरह कर सकते थे। इसके अलावा मालदीव की पकड़ नेपाल और भूटान में भी लगातार बढ़ रही है। भूटान में तो उसने बकायदा गांव ही बसा लिया है, जिसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। जहां कुछ के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है तो कुछ के साथ जबरदस्ती करके उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जैसा कि केस भूटान के साथ हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से फिलीपींस के जहाज पर जब वाटर कैनन से चीन ने अटैक किया तो उसके जवाब में भारत ने अपने जहाज को मनीला में तैनात कर दिया। यानी कि यह इस तरह की पहली घटना है जब भारत ने साउथ चाइना सी में किसी देश की मदद के लिए अपना जहाज भेजा हो। इस तरह की मदद अक्सर अमेरिका भेजा करता है, लेकिन भारत ने इस बार फिलीपींस की मदद के लिए अपने जहाज की तैनाती वहां पर किया है और चीन को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। साफ है आने वाले समय में चीन और भारत के बीच में तनातनी और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन भारत के लिए अभी भी बड़ी समस्या मालदीव बना हुआ है, क्योंकि मालदीव भारत से ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं है। और अगर इतनी पास मालदीव में चीन अपना सैन्य अड्डा बना लेगा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे को तो लग रहा है चाइना को अब सब कुछ चाहिए। हाँ। पूरा विश्व में उसको राज करना, सब जगह उसको सैन्य अड्डा बनाना। हाँ, फिर हाँ। ये उसका टारगेट है भारत को घेरने का। हाँ। क्योंकि उसको पता है भारत कभी भी उसको पीछे रख सकता है, तो ये प्रोपेगंडा करते हैं। और उसमें तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी फंस चुका है। हाँ। अब वहां पे तो उसको ऑर्डर से काम करवाने, उसके अलावा श्रीलंका के ऊपर बहुत प्रेशर डाला। हाँ। लेकिन अच्छी बात है कि श्रीलंका उसमें बाहर तो पूरा तो नहीं निकले, पर थोड़ा बहुत उसका लिस्ट पर दी हुए ने उसकी, बट ऑलरेडी वो कर्जे में है चाइना के। हाँ, इसीलिए अब ये आया मालदीव। तो मालदीव तो भाई इसमें गए तो पूरी तरह से फंस जाएगा। हाँ। क्योंकि मालदीव जैसा छोटा कंट्री इनको टक्कर नहीं देख सकता। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर मालदीव को भारत की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी बहुत मतलब वो बोलता है ना कि चीनी की जंगल में आ गया। नहीं, वैसे ये लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। और यही मालदीव भी इस्लामिक कंट्री, वहां पे भी इस्लामिक लोग रहते हैं ना मालदीव में भी, तो ये लोग वहां क्यों इन, वहां तो चाइना वाले तो वो जितने भी मुस्लिम है उनकी मस्जिद में भी गिरा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, दाढ़ी नहीं रखने देते, नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी ये लोग चाइना को क्यों, मतलब सब जगह पे पैसा बोलता है ये पक्का। चाइना फंसाता है पहले मतलब अच्छी अच्छी बातें करके फंसा लेता है, फिर वो ये देश, छोटे देश फंस जाते हैं। ये डील हुआ चाइना के साथ तो मैं लिख लो 5 साल में मालदीव चाइना बन जाएगा। हाँ, ये पक्का है। और यही नीति है चाइना की। और उसकी नीति कब से, मतलब उसका मतलब कब से मालदीव पे वो था, लेकिन वो आगे का जो मतलब वो पीएम था वहाँ पे, वो भारत के साथ मतलब उसके अच्छे उसका रिलेशन सिर्फ भारत में, उसके सभी के साथ रिलेशन अच्छे ही थे। क्योंकि हमारा वहाँ सैन्य बल भी थोड़ा था, तो अभी ये इसने तो आकर हटवा दिया। कि और मालदीव जैसे कंट्रीज का सबसे बड़ा जो इनकम होता है वो होता है टूरिज्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम मालदीव को आएगी। भारत को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ चाइना से आ सकती है। हाँ। बाकी मालदीव से तो कोई, क्योंकि मालदीव के साथ इतना ट्रेड नहीं है भारत का, ज्यादातर भारत ही संभालता था अब तक मालदीव को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालदीव को आएगी चाइना के साथ कुछ भी हुआ तो। हमारा 100 मतलब समझौते साइन हुए थे, तो अभी उसने कमिटी बिठा दी मालदीव वालों ने, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के बाद और सरकार आ जाएगी वहां पे, तो चाइना को फिर से वहां से हकलपट्टी होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसा एग्रीमेंट ना कर दे कि वो फिर दोबारा हटे नहीं तो। बाकी तो चाइना, तो अब चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भारत है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी गिरने का रीजन भी वो लोग भारत ही मानते हैं। क्योंकि जब से वहां से कोरोना आया उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहां से निकल चुकी है, अब भारत की ओर उसका मोड़ लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे आप। आशा करते हैं वीडियो आपको 100% पसंद आई होगी। ऐसी ही न्यूज के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई की चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब या तो सपोर्ट जरूर से करिएगा। वो भी हमें ऐसी डेली की लेटेस्ट न्यूज जो होती है, खास करके वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड न्यूज, उसके वहां पे आती रहती है। आपको फिलहाल हम इस रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।